आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 9 और कक्षा 10 तथा कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों ही अलंकारों की परिभाषा अथवा लक्षण तथा इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण है बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार रटना नहीं पड़ेगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रम से ही आपको बताऊंगा, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। यहां पर आप देख सकते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर, किस आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। और जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यहां पर मेरे पास दो कैप हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो कैप हैं और दोनों में एक समान, दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों में क्या है? समानता है। यानी इसकी तुलना हम इसके साथ कर सकते हैं और इस कैप की तुलना हम इस कैप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है? समान गुण हैं। दोनों में क्या है? समान गुण हैं। और कौन सा गुण है? दोनों व्हाइट कलर के हैं, यानी दोनों सफेद रंग के हैं और दोनों बिल्कुल एक समान हैं। तो जहां पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना करते हैं वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है तुलना करना, समानता बताना, या कहने का अर्थ है या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना। तो उपमा अलंकार का बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। राधा का मुख किसके सदृश सुंदर है? चंद्र सदृश सुंदर है, यानी राधा का जो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर राधा के मुख की समानता किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। और यहां पर जिस तरह से चंद्रमा सुंदर होता है ठीक उसी तरह से राधा का मुख भी सुंदर है, इसलिए इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला अंग होता है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहा जाता है। जैसे यहां पर दिए गए उदाहरण में राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, तो यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? तो यहां पर राधा का जो है क्या? मुख। तो यहां पर उपमेय क्या हो जाएगा? राधा का मुख, जो राधा का मुख है वह क्या है? उपमेय। और उपमेय को क्या कहा जाता है? प्रस्तुत भी कहा जाता है। और अगला जो है अंग क्या है उपमा अलंकार का? दूसरा अंग है उपमान, जिसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राधा का मुख क्या है? उपमेय है। राधा का मुख क्या है?
उपमेय है, राधा का जो मुख है यह उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं उपमेय हो जाएगा राधा का मुख, और उपमान क्या हो जाएगा, जिससे समानता बताई जाए जो भी वस्तु हो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। यानी यहां जो चंद्र है, चंद्रमा है, यह क्या है, उपमान है। और अगला जो होता है साधारण धर्म, तीसरा बिंदु है, यानी तीसरा अंग क्या है उपमा अलंकार का, साधारण धर्म। तो जो गुण उपमेय व उपमान में समान रूप से हो उसे क्या कहा जाता है, साधारण धर्म कहा जाता है। जो गुण उपमेय और उपमान में समान रूप से हो उसे ही साधारण धर्म कहा जाता है। दिए गए उदाहरण से आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, तो राधा का मुख और चंद्रमा में कौन सा गुण है, दोनों में गुण क्या है, सुंदरता। दोनों में कौन सा गुण है, सुंदरता है। अर्थात राधा का मुख भी सुंदर है तथा चंद्र भी सुंदर है, यानी राधा का मुख और चंद्रमा में कौन सा गुण समान रूप से है, तो दोनों में क्या समान रूप से है, सुंदरता। तो इसलिए जो दोनों में मिल जाए, यानी जो गुण दोनों में हो, अर्थात जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, वही क्या होता है, वही होता है साधारण धर्म। उपमा अलंकार का अगला अंग क्या है, यहां पर चौथे नंबर का वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं, उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। तो यहां आप दिए गए उदाहरण से स्पष्ट समझ जाएंगे, राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, तो यहां पर राधा का मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्र यानी चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, और सुंदर क्या हो गया, यह हो गया सुंदर यानी साधारण धर्म। सुंदर क्या है, साधारण धर्म है, आपको मैं यहां पर लिख कर बता रहा हूं साधारण धर्म क्या है, सुंदर है, क्योंकि जो राधा के मुख में विशेषता है वही चंद्रमा में विशेषता है, यानी जो दोनों में गुण समान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। और जिससे पता चले, आपने पढ़ा है कि उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। तो राधा का मुख चंद्र सदृश, यहां पर क्या लिखा है, सदृश, और सदृश का अर्थ क्या होता है, समान। सदृश का अर्थ क्या होता है, समान होता है, यानी जिस शब्द से उपमेय और उपमान दोनों में समानता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। मान लीजिए यहां पर सदृश ना होता तो क्या कहा जाता, कि राधा का मुख चंद्र सुंदर है, राधा का मुख चंद्र सुंदर है, तो इसमें वाचक शब्द नहीं है, इसलिए वाचक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द से उपमा में समानता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा अलंकार कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं रूपक अलंकार। बिल्कुल आसान है परिभाषा रूपक अलंकार की भी, कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई सूरदास जी के द्वारा रचित पहला पद है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी। और दूसरा उदाहरण क्या है रूपक अलंकार का, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी।
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो आपको जो सरल लगे आप उस उदाहरण को याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, चरण कमल बंदो हरिराई। और दूसरा उदाहरण है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तीसरा अलंकार कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। कहने का अर्थ है जिस भी पंक्ति में मनु मानो, जनु अथवा जानो, मनहु जनहु आदि शब्द आ जाते हैं वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहां पर उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर आप देख सकते हैं मानो जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, वाचक शब्द है, इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बिल्कुल आसान है। तो आपको मैं एक उदाहरण और बता दूं उत्प्रेक्षा अलंकार का, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। इस उदाहरण में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और कैसे है, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। यहां पर आप देख सकते हैं जनु आया हुआ है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, वाचक शब्द है। यहां आप देख लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में मनु मानो, आप याद करिएगा अच्छे से, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस भी पंक्ति में ये शब्द आ जाएंगे वहां पर आप समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण कौन सा है, राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। और उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है। और दूसरा अंग है उपमान, जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा अंग है साधारण धर्म, तो जो गुण उपमेय व उपमान में समान रूप से हो उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। और अगला अंग है वाचक शब्द, तो उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे क्या कहा जाता है, वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है रूपक अलंकार, तो जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। और दूसरा उदाहरण है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और तीसरा अलंकार मैंने आपको बताया है बिल्कुल आसान तरीके से, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। और बिल्कुल आसान उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और दूसरा उदाहरण है, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। तो इस तरीके से आप इन तीनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण लिख लीजिए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। चैनल के साथ जुड़े रहें, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान देते रहें। जय हिंद।